नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर कटिहार से है। जहां ऐसा कहा जाता है कि सास बहु में कभी नहीं बनती, वहीं कटिहार के गांव की ये खबर कुछ और ही झलक दिखाती है। माँ बेटे ने मिलकर छोटे स्तर पर अमरूद की खेती की शुरुआत की, पर बेटे की शादी के बाद उसकी पत्नी ने भी खेती में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सास बहू और बेटा मिलकर अब 10 कट्ठे में अमरूद की खेती करते हैं। यह कहानी दामा रहिका के परिवार की है, जिनका कहना है कि अगर सरकार की मदद मिले तो इस खेती को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं स्थानीय लोग भी मेहनत के दम पर मुकाम बनाने के लिए इस परिवार की तारीफ कर रहे हैं। कितने दिनों से कर रहे हैं? अभी तीन साल से हमें रोपा हुआ है, 3 साल के गाछ लगाया हुआ है, 3 साल से खेती हो रहा है। अच्छा, इसका बढ़िया बाजार में कीमत मिलता है, दाम में अच्छा मिलता है? 15-20-300 मिलता है। 30 तो मिलवे करेगा, पैकार तो 30 रुपये बैसाख में लेवे करेगा। रेट बढ़िया नहीं मिलता है? नहीं बढ़िया नहीं। इतना मतलब इसको लगाने में कितना रुपया खर्च हो जाता होगा? इन्हें 6,000 के गाछ लगा। अच्छा, और उसको करने में, खेती करने में सालाना कितना खर्च? मैंने सालाना में धरिए जो 20,000 नहीं 20,000 हाँ डाल देंगे। उसमें खली देता है, खाद देता है, बाल्टी देता है, सब रंग के खाद में ना मिलता है। बढ़िया मुनाफा हो पाता है? आए वो करे छे, जे वो करे छे। मतलब बढ़िया अच्छा मुनाफा नहीं होता? नहीं होता। बाजार में रेट मिला तो मुनाफा हो जाता है। नोनी देवी अपने बेटे रामचंद के साथ मिलकर उदामा रहिका गांव के एक छोटे से हिस्से में अमरुद की खेती करती थी। उसके लिए खुशी की बात हो गई जब उनकी बहू सीता देवी भी अमृत की खेती में भरपूर रुचि लेते हुए उनका हाथ बटाती है, जिसके कारण अब 3 लोगों का यह परिवार बगैर किसी मजदूर के मदद से ही 10 कट्ठे में अमृत की खेती कर रहा है। सास नोने देवी कहती हैं कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, उस लायक मुनाफा नहीं है, फिर भी अपने खेत से और खेती से मोहब्बत होने के कारण वे लोग इस खेती से जुड़े हुए हैं। वहीं बहू सीता देवी कहती है कि घर के लोगों के साथ मिलकर खेत में पसीना बहाकर रोटी जुगाड़ करने में बेहद आनंद आता है। अगर सरकार का सहयोग मिले तो इस खेती को और भी बेहतर किया जा सकता है। इनकी इस कड़ी मेहनत को देखते हुए स्थानीय लोग भी राम सीता और नोना देवी के इस मेहनत के कायल है, जबकि कृषि विभाग के अधिकारी कहते हैं कि अमरुद की खेती से जुड़कर सीधे तौर पर मदद का कोई प्रावधान कृषि विभाग के पास नहीं है। अगर अन्य स्रोतों से ये परिवार खेती के लिए कोई मदद लेना चाहते हैं तो विभाग मदद के लिए हमेशा तैयार है। उदामा रेखा का ये परिवार जो है ना बहुत ही गरीब है, आर्थिक स्थिति से जो है ना काफ़ी पिछड़ा हुआ है। माँ बेटा मिल करके 10 कट्ठा में लगभग जो है अमरुद का खेती जो है करता है, बहुत मेहनत करता है, और उसकी जो एक पत्नी है वो भी जो है काफ़ी साथ देती है, लेकिन अगर सरकार इसमें थोड़ा सा अगर मदद कर देता तो इन लोग का हौसला जो है काफ़ी बढ़ जाता और परिवार भी सीखता है। और अगल बगल का जो और लोग जो खेती कर रहे हैं उन लोग का भी हौसला बढ़ता और वो लोग भी सीखते हैं और इस खेती की ओर मतलब कि ध्यान देते हैं। हमारे पति, हमारे सास और हम, अच्छा, तीनों मिलके मेहनत करते हैं। और कितना करना चाहते हैं? 10 कट्ठा में है। सरकार का मदद तो कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, मदद कितना बार कह के आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कोई मदद आज तक मिला नहीं। अपने से जो होता है कर लेते हैं, अपना घर परिवार चलता है। मदद मिलता तो आसान होता है? आसान होता, थोड़ा हिम्मत बढ़ता, हौसला आगे बढ़ता। निश्चित तौर पर अगर किसी परिवार की महिला सदस्य खेती में रुचि ले तो उस परिवार की आर्थिक स्रोत को विकसित होने के साथ साथ समाज को भी बड़ा संदेश जाता है। कटिहार में सास बहू की अमरुद की खेती इसलिए भी नायाब आकर्षण है, इसमें न सिर्फ महिला सशक्तिकरण की झलक है बल्कि अक्सर तकरार के लिए चर्चा में रहने वाली सास बहू के रिश्तों में भी अमरुद की खेती ने मिठास पिरो कर रखा है। जो सास बहू के रिश्ते आजकल यूं ही बदनाम है, हर पल हर समय तकरार सुनने को मिलती है। तो आपको बता दें कि इस कटिहार की खबर ने सास बहू के रिश्ते को एक नया आयाम भी दिया है।
विभाग क्या मदद कर सकते? कृषि विभाग इसमें आपको अमरूद के लिए तो ऐसा अभी नहीं है, लेकिन उसकी सिंचाई के लिए कि चूँकि यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, 2015 में शुरू की गई थी, और इसमें है कि 5 साल में 50,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च करने का प्रावधान था। तो इसमें होता क्या है कि हम जिस प्रधानमंत्री का है कि किसानों की आय को दुगुनी किया जाए, तो लागत में जब ही हम कमी करेंगे, किसान की लागत में कमी करेंगे, तो आमदनी खुद ब खुद बढ़ेगी। और इसमें है क्या कि सिंचाई का जल 60% तक जल उसका जल का बचत होगा, और हाँ जल का बचत होगा, खरपतवार का जमाव कम होगा, और ड्रिप एक ऐसा सिंचाई पद्धति है इसमें आप सिंचाई जल के साथ आप खाद और दवा दोनों दे सकते हैं। तो आपको लेबर कॉस्ट कम आएगा, तो लेबर कॉस्ट कम आएगा, सिंचाई का जल बचेगा, तो निश्चित रूप से आपकी लागत में कमी आएगी और आपकी किसान की आमदनी दुगुनी होगी। थैंक यू। परिचय दीजिए। मेरा परिचय हो गया राजेश लालकर्ण, प्रखंड उद्यान पदा।